अमर भीरू विराज कवा जो दोहा मैंने जिस अंदाज से गाया है ना, ये बिल्कुल इस अंदाज से हमारे प्रकाश जी माड़े गाते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। महाराणा प्रताप की सारी शूरवीरता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद। लीजिए जिन प्रकार रो, जैसे प्रकाश जी माड़ी ने बहुत सारे भैरू जी के भजन गाए और आप सभी वक्ता बिल्कुल बड़े आनंद के साथ नृत्य कर रहे थे, तो आप सभी लोगों भाव देखता एक वंदना भैरू जी महाराज ने। अरे तिवारी राम चौक में मारा भैरू जी, अरे तिवारी राम चौक में मारा भैरू जी, बारी बारी मारा नाच, बारी बारी मारा नाच, बारी बारी मारा नाच, वो कड़रा हर डटार देता है वो, बारी बारी मारा नाच, गरिया गम का तार देगा आवो। चाहता हूं कि उदयपुर लेक पैलेस झीलों की नगरी, और झीलों की नगरी की इतनी जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए कि आशा जी जब 240 किलोमीटर अहमदाबाद तक पहुंचे तो इनके कानों में राजस्थान की तालियों का सैलाब उमड़े। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा ले, क्या बात है, और एक बार जरा जोरदार जयकारा हो।
क्या करी जितना भी भैरू जी महाराज रहा जितना भी भक्ति अपने दोनों हाथ ऊपर करो, क्या बात है, क्योंकि पतो लागे ये जो मंदिर के ऊपर विराजमान है सभी लोगों से ही मैं मंच के ऊपर जितने भी विराजमान है, क्या बात है, सभी लोग दो पंक्ति में सभी लोगों ने ताल के ताल के साथ गाऊंगी, सभी लोगों से निवेदन के मिट्टी मिट्टी ताल वन टू अरे ती बारी चौक मेरे मन जी। हाँ मेरी माता बहनों की तालियों की आवाज लिए मैं निवेदन करूं क्या आप भी बिल्कुल शक्ति रो बता रहा हूं और चैत्र नौरते चले आज दूसरा नौरता मैं निवेदन करूं मातृशक्ति से कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले। जिस तरह से प्रकाश जी माणी ने महाराणा प्रताप बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, दो पंक्ति में कहना चाहूंगी कि मेरे आगे वाले भी होश में है तो पीछे वाले भी जोश में, मेरे आगे वाले होश में है तो पीछे वाले भी जोश में, आगे बैठे महाराणा प्रताप तो पीछे बैठे सुभाष चंद्र बोझ है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर मिट्टी मिट्टी ताल अरे दी बारी रा दी बारी रा दी बारी दी बारी दी बारी रा दी बारी रा चौक में मर फेरू जी दी बारी रा चौक में मर फेरू जी बारी बारी मारा ना बारी 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 मारा ना बारी बारी मारा ना हो किड़ा है डाटा जीता बारी बारी
क्या बात है, मारी मानता है मेरे, जोरदार तालियां। भाईड़ा लुकाया भाईड़ा कावर मंगड़ा चार माता जी आवे, भाईड़ा कावर मंगड़ा चार माता जी आवे। रखण बाजा भैरू जी महाराज की, भैरू
बहुत ही सुंदर रचना भेरू जी महाराज री जितना भी भक्ति विराजमान है सभी के वास्ते। पगला में बंधाबू छीणा घूगरा रे, पगला में बंधाबू छीणा घूगरा रे, थरखड़ियों में लटकता नामा केसरे लटियाला भेरू नखराड़ा भेरू कड़वा दिया भेरू शरणे थारे आपको उत्तर देना है कि दूध में चावल मिलाने से क्या बनती है। क्या बात है, माताएं बहनें कोई नाराजगी तो कोनी? हां, सभी माताएं बहनों से निवेदन, पूरी रात आपने मारो साथ देनो है कि दूध में चावल मिलाने से क्या बनती है, और भैरू जी महाराज के भजनों पे तालियां बजाने से क्या बनती है। तो जो जो भी अपनी तकदीर बनाना चाहता है एक बार सभी लोग हाथ उठा ले। ए, जितने भी खड़े सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, मंच के ऊपर विराजमान सभी लोग प्रकाश जी माणी से भी निवेदन करती हूँ, क्योंकि पाप के पूरे भजनों में मैंने तालियां बजाई है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा ले। क्या बात है, बारी रे मानोरा बारे झाड़ू बाकड़ा रे, अरे तेरे
मेवाड़ है और मेवाड़ में किन प्रकार से भजन चलते हैं मुझे पता, लेकिन मैं बहुत कम जानती हूँ मेवाड़ी भजन है। लेकिन यहाँ किन प्रकार से कलाकार भजन गाते हैं, एक छोटी सी वन्ना आप सभी बतारे बीच में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अरे ढोल बाजे तंदूरा बाजे, प्रकाश जी के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं एक बार हर एक कार्यक्रम में जितने भी बार में प्रकाश जी के साथ में आपको खड़ा करना मैं नहीं भूलूंगी। एक बार निवेदन है, प्रकाश जी कहेंगे तो ही खड़े होंगे। एक बार भागीरथ जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, जो अपने मुंह से मोरिया का आवाज निकालते हैं। एक बार खड़े हो जाओ, हाँ सभी लोग मेरी ताल बजाए तो ही खड़े हो गए। हाँ जोड़ के रूप